चीन और ताइवान की सैन्य शक्ति की आपस में तुलना करना ठीक नहीं, लेकिन ताइवान के हौसले को देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर चीन उससे भिड़ा तो वो चीन की ऐसी तैसी कर देगा। अब देखिए ना, चीन और ताइवान में इस वक्त सबसे ज्यादा तल्खी है। इस तल्खी के पीछे का कारण है ताइवान में अमेरिकी अधिकारी का दौरा। इससे पहले भी अमेरिकी दल ने ताइवान का जब दौरा किया था तो चीन बौखला गया था, लेकिन इस बार चीन कुछ ज्यादा ही उतावला दिख रहा है। उसने अमेरिकी अधिकारी के दौरे पर एक दो नहीं बल्कि 18 लड़ाकू विमान ताइवान में घुसा दिए, जिसके बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर है। चाइना पीपल लिबरेशन आर्मी ताइवान स्ट्रेट में युद्धाभ्यास कर रही है। ऐसे समय में चीन ने ताइवान स्ट्रेट में 18 युद्धक विमान उड़ाकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। आइलैंड्स की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि चाइना ईस्टर्न थिएटर कमांड के 16 फाइटर जेट और 2 बॉम्बर्स विमानों ने ताइवान की वायु रक्षा सीमा को शुक्रवार को क्रॉस किया। ताइवान की वायुसेना में घुसने वाले 2 बॉम्बर्स विमान H-6 हैं, जबकि इसमें 8 फाइटर्स विमान J-16, 4 विमान J-11 और 4 फाइटर विमान J-10 हैं। चीन लगातार अपनी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से अपने पड़ोसी देश को परेशान करता रहता है। इससे पहले बीते बुधवार को भी चीन ने अपने 2 एंटी सबमरीन फाइटर जेट्स उसने ताइवान की वायु सीमा में उड़ाए थे। जब ताइवान की वायु सेना ने उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी दी तो चीन के फाइटर जेट्स धूम दबाकर भाग गए। ये घटना ऐसे वक्त पर हुई जब ताइवान में अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी दौरे पर थे। चीन अक्सर ताइवान की वायु और जल सीमा में घुसपैठ की कोशिश करता रहता है। इस बात को लेकर ताइवान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिकायत भी की है। ताइवान की सेना के पास ज्यादातर अमेरिकी हथियार हैं। ताइवान के सैनिकों की ट्रेनिंग भी अमेरिकी सेना करती है। हालांकि चीन के पास ज्यादा हथियार और सैनिक हैं, लेकिन ताइवान चीन की ताकत से कभी नहीं डरा। पिछले हफ्ते ताइवान और चीन दोनों ही देशों ने अपनी अपनी समुद्री सीमा में सैन्य अभ्यास भी किया था। चीन पूरे के पूरे ताइवान को हड़पने में लगा है, लेकिन अमेरिका खुलकर हर तरह से ताइवान के साथ है। ऐसे में उसके तेवर को देखकर लगता है कि चीन की एक गलती दुनिया को युद्ध में झोंक देगी, और तब बड़े से लेकर छोटे देश तक चीन से अपना हिसाब करने पर उतर आए तो अंजाम क्या होगा, ये समझा जा सकता है।